स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान के जंक्शन से, सिवान स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करने के बाद ये पता चलेगा कि वो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं काम करने के लिए। वहाँ लोग जॉब करते हैं, वहाँ मजदूरी का काम करते हैं। बिहार में रोजगार है ही नहीं तो फिर लोग करेंगे क्या? लॉकडाउन लगा था, संक्रमितों की संख्या जब घटने लगी तो लोग फिर से अपना बिहार, अपना सिवान छोड़ दूसरे राज्य में जा रहे हैं कमाने के लिए। कमाना ज़रूरी है, परिवार चलाना है तो, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि पिछले साल जब 2020 में लॉकडाउन लगा था और जब लोग प्रवासी मजदूर जब अपने राज्य लौट रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग लौट रहे हैं उन्हें रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन हद तो तब हुआ जब लोगों को रोज़गार भी नहीं मिला, कई लोग भूखे तड़पते रहे, सरकार की तरफ से आई गई योजनाएं उन तक नहीं पहुंची। कभी तो ऐसा भी हुआ कि राशन फ्री देने की बात हुई लेकिन राशन की चावल ऐसे मिले कि वो कुत्ते भी नहीं खा सकते थे, तो फिर इंसान कैसे खाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से दावा करते हैं कि बिहार, जो लोग बाहर से बिहार लौट रहे हैं, 2020 की हम बात कर रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हमारे राज्य में फिर आ रहे हैं, वापस अपने घर आ रहे हैं, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार ना मिला। उसके बाद फिर वो लोग अभी फिर पलायन कर रहे हैं, बिहार से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। काहे के लिए दिल्ली जा रहे हैं? कमाने के लिए। कमाने के लिए क्या करते हैं वहाँ? लेबर में काम करते, गत्ता लाइन में काम करते हैं। क्या बिहार में काम? नहीं, बिहार में काम रहता तो छोड़ जाएगा। सकिए ना, बैठाइए हमको भी। काम का है बिहार में? आपको काम नहीं मिलता है? मिलता तो हम जाते हैं, बिहार में मिलते तो जाते हैं। बिहार में नहीं है ना? नीतीश कुमार का बोलते तो हैं काम देने के लिए। बोले हैं तो दे देंगे। तो बैठिए बैठिए, आप ही बैठिए। क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं काम मिल जाएगा। बिहार काम नहीं देते ना? नहीं, काम का नहीं, अभी काम नहीं है। काम देंगे तो करेंगे, तो ज्यादा लगे। कब आए थे लॉकडाउन दिल्ली में लगा तो फिर आए थे आप बिहार? फिर शादी था। अब बड़ा दिक्कत होता है ना बाहर काम करने में? है तो क्या किया जाए, परिवार चलाना रहता है ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिवानी जिला। सिवानी जिला के? अभी वहाँ कितना, दिल्ली का कितने रुपये कमाते हैं? दिल्ली का कौन कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं। 200 रुपया में परिवार चल जाता है आपका? वही तक किसी तरह चलता है। राशन वासन मिलता है कि नहीं चाचा? राशन तो मिलता है। मिलता है लॉकडाउन में? मिलता है। अभी लॉकडाउन में सुने कि बड़ा गंदा चावल आया था, खाने के लायक नहीं था, ऐसा सही बात है क्या? अब पता ना, हम यहाँ है तो कैसे बताएं। देखिए कुछ और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे। समाज सेवी फजल भाई हैं ये, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे पे दावे करते रहते हैं कि बिहार में रोजगार दिया जाएगा लोगों को, लेकिन फिर वही मजदूर अपने सिवान, अपने बिहार छोड़ करके फिर कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, कोई मुंबई जा रहे हैं। इनसे जानेंगे, फिर और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताइए फजल जी। देखिए सबसे पहले तो सरकार लॉकडाउन जो लगा रही है विदाउट कोई मतलब सहूलियत, पहले कोई प्लानिंग नहीं कर रही है और ऐसा ही लॉकडाउन लगा दे रही है। अगर आज बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करते, यहाँ से लोग बाहर नहीं जाते। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ये ट्रेन दिल्ली जाने वाली है, इन सब ट्रेनों में खास करके इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और सब मजदूर लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ रोजगार मिलता है। अगर वो सिस्टम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर यहाँ रखे रहते ऐसा कुछ सुविधा, तो यहाँ से लोग पलायन करने की जरूरत नहीं रहती है। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में लोग अपने घर छोड़ के नहीं जाते, यहीं रोजगार रहता, इतनी सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं उनको चालू करवाते तो लोग को रोजगार यहाँ सहूलियत से मिल जाती। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। क्या करते हैं दिल्ली? अभी तो अपना काम बंद पड़ा हुआ है। मतलब क्या क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल का? क्या बिहार में काम नहीं है? बिहार में काम होता तो आदमी बाहर जाता। नीतीश कुमार तो बड़ा बढ़िया काम करते हैं। कुछ भी नहीं है मिडिल क्लास के लिए, तो कुछ भी नहीं है मिडिल क्लास वालों के लिए, तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में कितना कमाते हैं दिन का? रोजी रोटी चल रही है फिलहाल तो। दाल रोटी चल जा रहा है। एक चीज़ समझ में नहीं आता, नीतीश कुमार बड़ा दावा कर रहे थे पिछले साल लॉकडाउन में कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको काम दिया जाएगा। मिला था काम? ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं ऐसा कुछ? क्या लग रहा है, केवल जुमलाबाजी चलेगा या फिर कुछ? केवल ऐसा ही है, वैसे ही है, केवल हाल मचाने वाली बात है, कुछ करने वाले नहीं है लोग। देखिए तो हम तस्वीरें आपको सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले साल 2020 में दावा कर रहे थे कि जो लोग बिहार लौट रहे हैं उन्हें बेहतर जॉब दिया जाएगा, यानी रोजगार दिया जाएगा, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज फिर वो लोग
दूसरी बार जब लॉकडाउन लगा बिहार लौटे थे और फिर से वो लोग अब दिल्ली लौट रहे हैं। तस्वीरें हम सिवान जंक्शन से दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरा पर्सन ताबिज के साथ। फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।